जय हिंद। मैं महेंद्र कुमार। हरियाणा सरकार बहुत ही जल्द ही एंटी कन्वर्जन बिल पास करने वाली है। वैसे तो बिना पास किए ही हरियाणा में एंटी कन्वर्जन बिल लागू हो गया है और चारों तरफ चर्चों पर हमले और अटैक्स शुरू हो चुके हैं। अब इसको केवल एक कानूनी जामा पहनाना रह गया है, फॉर्मेलिटी के लिए उसको सदन में पास करना रह गया है। तो उसको भी बहुत जल्द ही हरियाणा सरकार एंटी कन्वर्जन बिल को पास करने जा रही है और ये खास तौर पर क्रिश्चियन को टारगेट करके यह बिल हरियाणा सरकार बना रही है। आइए देखते हैं इस खबर के बारे में एक रिपोर्ट। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यो टाइम्स नाउ टीवी चैनल है और ये एक विश्वसनीय न्यूज चैनल है जिसने यह रिपोर्ट दिया है कि हरियाणा सरकार खट्टर सरकार बहुत जल्द ही हरियाणा में कानूनी रूप से एंटी कन्वर्जन बिल लागू कर देगी। वैसे भी हरियाणा में जैसे मैंने आपको कहा कि पहले से ही एंटी कन्वर्जन बिल लागू है और क्रिश्चियनों को टारगेट कर लिया गया है। तो देखते हैं इस वीडियो को। एक डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल और दूसरा लव जिहाद पर बिल, दोनों हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। Let's go across to my colleague Gurpreet joining us on the broadcast. More on this. Gurpreet, good morning. So after other BJP ruled states, now we are expected to see anti-conversion bill coming in Haryana too in the budget session. Well, yes, of course, that BJP government, they have already planned to introduce this bill in the coming session that will be on the in the coming March month. At the same time that the Home Minister Anil Vij, that he has categorically stated that it appeared that more and more cases of love jihad are coming in the border area of Haryana, and that's why they have already got the data and already set up a committee and draft has already been prepared by the committee, and now they are going to make it a bill and they are going to bring this bill in the coming Vidhan Sabha so that it should be passed and there will be no forcibly conversion in Haryana, and after there will be stringent measurement against such violence and such offense if it is happening in the state. देखते तो बहुत जल्द ही हरियाणा सरकार इसको पूरी रीति से लागू कर देगी, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि ये मेनली क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा में बहुत तेजी से क्रिश्चियनों पर हमले हुए हैं और हो रहे हैं, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं और जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं चाहे वो क्रिश्चियन हैं या नहीं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, चर्च के जो पुजारी हैं पास्टर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस जोशिया के साथ और देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पर आप हमें लाइक फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार न्यूज एक्सपोज एशिया से। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की कोई भी खबर आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज एक्सपोज एशिया।